नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू सहल। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आ गया है जी। एक तरफ तो न्यूजीलैंड वुमेन्स होगी और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की टीम होगी। पहला सेमीफाइनल आपने देखा जहां पर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ी आसानी के साथ 8 विकेट से हरा दिया। अब दूसरा सेमीफाइनल है, ये बड़े मजेदार होने वाला है। एक तरफ वेस्ट इंडीज वुमेन्स आएगी कि भाई हम न्यूजीलैंड को हरा दें, लेकिन न्यूजीलैंड बड़ी स्ट्रांग टीम है भाई, इंडिया को हरा कर आई है न्यूजीलैंड की टीम। और ऐसे में काफ़ी दिलचस्प ये एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है, तो मजा आएगा इस मैच में। इस वीडियो में आपको बताएंगे भाई दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, दोनों टीमों में हेड टू हेड में कौन आगे है। अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं भाई, दोनों टीमों में से कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक करना है उस पर ही बात करेंगे। और साथ ही साथ भाई जो शारजा में मुकाबला खेला जाएगा वहां का पिच क्या कहता है उस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात दोनों टीमों की भाई, न्यूजीलैंड वुमेन्स और वेस्ट इंडीज वुमेन्स की बात करें तो दोनों बड़ी शानदार टीम है। और दोनों के परफॉर्मेंस पर नज़र डाले जाएं तो बड़ी शानदार रही अब तक दोनों ही टीमों का शानदार परफॉर्मेंस रहा है। न्यूजीलैंड ने 4 मैच में 3 जीत हासिल की है 6 अंकों के साथ, ग्रुप ए में पॉइंट्स टेबल में दूसरे। और वेस्ट इंडीज ने 4 मैच में 3 जीत और 6 अंकों के साथ ग्रुप बी में पहले स्थान पर जगह बनाई थी। पिछले मैचेस की बात करें दोनों टीमों के परफॉर्मेंस पर, तो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 54 रनों से हराया था, वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड महिला टीम को 6 विकेट से मात दी थी। तो कुल मिलाकर एक अच्छा कॉन्टेस्ट होने की उम्मीद है। और ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि भाई दोनों टीमें कहीं ना कहीं अपना जो कॉम्बिनेशन है उसे अच्छा और बेहतर करना चाहेगी। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं भाई न्यूजीलैंड की जो संभावित प्लेइंग 11 है वो कुछ ऐसे हो सकती है। न्यूजीलैंड वुमेन्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नज़र डालें तो सूजी वेट्स होंगी इस टीम की, जॉर्जिया होंगी, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन जो कि कैप्टन इस टीम की, और सोफिया डिवाइन का बल्ला चला तो फिर भाई मज़ा बहुत आने वाला है। ब्रूक हॉलीडे होंगी, मैडी ग्रीन होंगी, इसाबेला गेज जो कि विकेट कीपर इस टीम की, और रोजमेरी मेयर, इन्होंने तो कमाल ही किया है, धमाल किया है इस टी20 वर्ल्ड कप में। रोजमेरी हर मैच में 2 से 3 विकेट जरूर निकालती है। फ्रांस जोनास होगी और ईडन कार्सन भी होगी। लेकिन न्यूजीलैंड वुमेन्स की टीम में आपने दोस्तों देखा होगा दो ऐसे प्लेयर हैं, एक है सोफी डिवाइन, अगर उन्होंने अच्छा स्टार्ट दे दिया ऊपर से, और सूजी बैट्स में साथ ही साथ वो भी अच्छा खेलती है, इन दोनों ने अगर अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया टीम के लिए फिर चीज़ें आसान हो जाएगी। और बॉलिंग में रोजमेरी, ये एक ऐसी गेंदबाज जो हर मैच में कह के 2 विकेट पक्के इनके हो जाते हैं। ऐसे में भाई वेस्ट इंडीज कैसे सामना करेगी इस टीम का, वेस्ट इंडीज जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है उस पर भी एक नज़र डालते हैं यार। तो हेली मैथ्यूज होंगी जो कि इस टीम की कैप्टन है, कियाना जोसेफ है, स्टेफनी टेलर है, शोमाइन कैंपबेल होंगी जो विकेट कीपर इस टीम की है, डॉटिन होंगी, चिनेले हेनरी है, आलिया अलेने, चेडियन नेशन, आफिज फ्लेचर, अश्मनी है, और करिश्मा राम हेरिक। तो कहीं ना कहीं अच्छा कॉम्बिनेशन वेस्ट इंडीज़ की टीम का। लेकिन जो इनकी वेस्ट इंडीज़ की टीम की जो बैटिंग है ना वो 2 खिलाड़ियों के आसपास रिवॉल्व करती है, एक तो हेली मैथ्यूज और स्टेफनी टेलर। तो ऐसे में इनका चलना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर इन्होंने अच्छा स्टार्ट दे दिया तो फिर इस टीम की बल्ले बल्ले। हालांकि एक चीज़ पक्की इन दोनों टीमों के लिए कि न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग है ना आउटस्टैंडिंग रही अब तक इस टूर्नामेंट में। अगर आप देखें उन्होंने जिस तरीके से रनआउट्स किए हैं भाई, पाकिस्तान को भी बड़ा तंग किया था, पाकिस्तान के साथ उन्होंने शानदार तरीके से उन्होंने जीत हासिल की थी, और भारतीय टीम के साथ भी वो बहुत अच्छा खेली थी। सो आई थिंक अच्छी टीम है नो डाउट, लेकिन वेस्ट इंडीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वेस्ट इंडीज भी भाई अपने पूल में अच्छा खेल के आई है। तो ऐसे में रोमांचक होने की उम्मीद है, और ऐसा हम नहीं बल्कि जो आंकड़े हैं वो खुद ही गवाही देते हैं। दोनों टीमों का अगर हेड टू हेड पर आप नजर डालेंगे तो दोनों टीमों के बीच अब तक 4 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 2 मैच वेस्ट इंडीज वुमेन्स ने जीते हैं और 2 ही मैच न्यूजीलैंड की टीम ने जीते हैं। तो यहां पर एक और क्रैकर जैकर गेम आने वाला है, जो अपकमिंग मैचेस है भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रेडिक्ट करना कि यार वेस्ट इंडीज जीतेगा या न्यूजीलैंड जीतेगा। लेकिन जो पिच है वो किसका साथ देगा एक बार नजर डालते हैं भाई, शारजा का पिच क्या कहता है। दोनों टीमों के बीच तो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है, शारजा स्टेडियम की पिच पर होना है। ये पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो स्पिनर भी खेल में वापस आ जाएंगे, यहाँ बाउंड्री छोटी होने की वजह से बल्लेबाज भी फायदा उठा सकते हैं। इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है। इस पिच पर पहली पारी का जो एवरेज स्कोर है 135 रनों के आसपास का है। तो आई थिंक बड़ा मैच है नो डाउट, और नॉकआउट्स गेम होते हैं जब, चाहे सेमीफाइनल हो, वहां पर हर एक टीम यही चाहती है कि पहले बैटिंग करें और एक अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पर लगा दे, उसके बाद जो सामने वाली टीम है बड़े और कड़े मैच में वो अंडर प्रेशर आती ही है, हमने देखा भी है इनफैक्ट। तो यहां पर अगर किसी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 150 के आसपास रन बना दिए तो सामने वाली टीम के लिए दिक्कतें जरूर पैदा हो सकती, बिकॉज हाई प्रेशर गेम में भाई ज्यादा रन चेंज होते नहीं। हम अक्सर हमने देखा है कि भाई बहुत ही रेयर मैचेज होंगे जहां पर किसी टीम ने 180 190 बनाए होंगे फाइनल
फाइनल सेमीफाइनल मुकाबले में। बट ये जो मैच है, इस मैच में आई थिंक जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके लिए थोड़ी चीज़ें आसान हो सकती है। लेकिन आई होप आपने जो पिच रिपोर्ट देखी उसके अकॉर्डिंग तो आप मान ही सकते हैं कि भाई दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होगी। लेकिन अगर आप फैंटेसी के दीवाने तो कैप्टन वाइस कैप्टन किसे पिक करना है, मेरी तो ये राय है कि इस मैच में अपना दोनों कैप्टन को ही ले लीजिए, एक हैली मैथ्यूज और एक सोफी डिवाइन, पक्का 100% आपको अच्छा करके देंगे ये दोनों खिलाड़ी। और साथ ही साथ भाई रोजमेरी को मैं छोड़ नहीं सकता, बिकॉज वो गेंद से बड़ा अच्छा करती है, हर मैच में 2 से 3 विकेट निकालती है। सो मैं चाहता हूं कि यार सोफी डिवाइन पर आप दांव खेल लीजिए, बिकॉज ये खिलाड़ी इस मैच में अच्छा करने वाली है। खैर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और कौन इस मैच में बाजी मारेगा वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।